गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी को, और आज है 26 तारीख यानी कि दशहरा। सो सब आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और मेरे सामने में बहुत ही बढ़िया व्यू है, सो आपको दिखा दूँ। शायद ये गोप्रो जस्टिस ना करे आपका व्यू, क्योंकि जिस तरह का व्यू है उनको इसके लिए तो अच्छा खासा कैमरा चाहिए। सोचिए फिर भी देखते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। एक पोहा है जो कि हम लोग ने सिलीगुड़ी से पैकेट फूड लेके आया था। बाहर पे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली, तो क्रॉस कटिंग के लिए एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो खुद का खा ही सकते हैं हम लोग। तो खा रहे हैं और खा के निकलना है। अभी टाइम हो रहा है 8:16, तो मोटा मोटी 10-15 मिनट के अंदर पर निकलना है 8:30 के ऊपर में, क्योंकि आज बहुत ही लंबा ट्रेक करने वाले हैं हम लोग। फालूट का ट्रेक करने वाले हैं, संदकपुर से फालूट का। सो इट विल बी क्वाइट एटिक ट्रेक होने वाला है, क्योंकि 21 किलोमीटर है और रास्ता अभी यहाँ का भैया बोल रहा है थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा रास्ता भी, मतलब इंक्लाइन डिक्लाइन सब कुछ मिक्स है। तो जितना हो सके जल्दी निकलना था, पर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट हो ही जाता है जो भी करो। तो बस पीछे का व्यू देखिए, बहुत ही मज़ेदार व्यू है। फिलहाल संदकपुर से निकल गए हम लोग फालूट की ओर। तो आगे में जाएंगे चेक पोस्ट पे, तो पासेस चेक करवाएंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। सो गाइज, अभी संदकपुर से हम लोग निकल गए हैं और फालूट की ओर जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया संदकपुर का बैनर। सो अभी इट्स अ क्वाइट हेटिक ट्रेक होने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि रास्ते पे 21 किलोमीटर का स्ट्रेच पे कुछ भी ट्रेकर्स हट्स नहीं है। सो वी हैव टू कैरी ऑल द थिंग्स। और फालूट पे बस दो ही रेजोर्ट या होमस्टे है, एक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और एक GTA का। सो होपिंग फॉर द बेस्ट कि रूम मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है तो हम लोग के पास ऑप्शन पे कैंपिंग कर सकते हैं, पर इतना ठंडा पे कैंपिंग करना मुझे नहीं लगता कुछ सेफ रहेगा, क्योंकि हम लोग का जर्नी उससे भी और 2-3 दिन का है। बीमार हो गया तो फिर आगे का जर्नी नहीं कर पाएंगे। सो जितना हो सके एकदम बॉडी को वार्म रखना है और बीमार नहीं होने देना है। राइट नाउ द टाइम इज़ 8:40। सो 8:30 को मैं संदकपुर से निकला था। सो 10 मिनट हो गया। सो लगभग हम लोगों को 21 किलोमीटर के लिए 8 घंटा तो लग ही जाएगा शायद, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं चलना है, आराम से रिलैक्स होकर चलना है और रुक रुक के चलना है। आप साइड में व्यू देख सकते हो द कंचनजंगा इटसेल्फ, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। आई डोंट नो कैमरा पे कितना कैप्चर होगा, बट दिस व्यू इज लाइक हेवन। सो चलिए मिलते हैं आपसे। वाओ, यू कैन सी, आई विल शो यू विद दिस स्टिक। हमको यहाँ से जाते 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 ये पूरा पहाड़ क्रॉस करके आगे वाला पहाड़ पे जाना है। ये तो बस एक छोटा सा पहाड़ है, इसको क्रॉस करने ऐसा तो बहुत सारे आएंगे। आप जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, आपको शायद ही इस पर नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि हमारे पास DSLRs एंड ऑल नहीं है। वी ओनली कैरी GoPro एंड फोन। सो जा रहे हैं और ट्राई करेंगे अच्छा से आपको जितना हो सके मज़ेदार चीज़ दिखाने को और नॉलेजेबल चीज़ दिखाने को, क्योंकि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज गेन होना चाहिए ना। बस इंटरटेनमेंट के लिए करना है तो क्या फ़ायदा, कि आपको अगर फ्यूचर पे आप आते हो यहाँ पे तो आपको मालूम चले कि कैसा कैसा जगह है, क्या क्या प्रोसीड्यूर है। सो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये पूरा एकदम मिट गया है, पर यहाँ पर लिखा है 20 किलोमीटर। सो फालूट इज़ मोर 20 किलोमीटर फ्रॉम हियर। चलिए मिलते हैं, कुछ इस तरह का है रोड। सो 2 किलोमीटर, सो 900 किलोमीटर इज अहेड।
So in between road we found the lake. It's a natural lake, I guess. Horses are drinking water. बहुत ही प्यारा दिख रहा है. सो गाइज स्टिल 16 किलोमीटर लेफ्ट. अभी टाइम हो रहा है 10:03 और यहाँ तक पहुँच गए. बहुत ज़्यादा बॉडी को पुश करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट है, पर क्या करें, चल रहे हैं, देखते हैं आगे. सो आई एम इन द मिडिल ऑफ फालूट. फ्रॉम हियर इट्स 12 किलोमीटर एंड रोड यू कैन सी ब्रो, दिस इज़ द रोड आई केम. यहाँ से ये नीचे कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये पूरा ट्रैक करके जाना है. इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को. मेरे चैनल पे आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ मैं. 12,200 फीट ऊपर से. सो इस इज़ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन दिस संदकपुर रीजन. सो संदकपुर से आगे में हम लोग फालूट से थोड़ा सा आगे में हैं. फ्रॉम हियर फालूट इज 7 किलोमीटर. सो यहाँ से शायद हम लोग फालूट नहीं करेंगे क्योंकि ड्यू टू सम प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे साथ जो दोस्त थे उसको और मेरे को दोजन को हो गया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद सडनली हम लोग ने ये सब किया. सो थोड़ा बहुत हुआ. सो आप पीछे भी देख सकते हो सनराइज़ होने को है. अभी द टाइम इज़ ऑलमोस्ट लेट मी चेक, टाइम इज़ 3:05:39. सो आज है 27th of October. सो देखेंगे आज का व्यू कैसा आएगा और जो सन का जो रिफ्लेक्शन है यहाँ से, मतलब यहाँ से जो सन का रिफ्लेक्शन है वो यहाँ से जाकर डायरेक्ट कंचनजंगा पे रिफ्लेक्ट कर रहा है सनलाइट. सो बहुत ही सुकून फील हो रहा है देख के. और हमारे साथ है हेलो. ओहो क्या व्यू है यार, देख लो. वाह. सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, इट्स अ day 3. सो day 1 और day 2 का व्लॉग आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा, सो यू कैन चेक इट आउट. सो गाइस सी यू ऑन अ ट्रैकिंग रोड और मिलते हैं आपसे. देखो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, देखो सन किस्ट की वजह से लग रहा है माउंटेन को. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर और हमारे जो बाइक है वो सुखिया पे है. सो सुखिया से बाइक लेके फिर घर चले जाएंगे बाइक पे. सो होप आपको, सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना गाइस, क्योंकि संदकपुर का जो ट्रैक है वो बहुत ही बढ़िया है. अगर आप लोग चाहते हो करने के लिए तो जिसको भी करने का इच्छा है तो आप उसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, भाइयों के साथ में, फैमिली के साथ में. और चलिए यही है इस पूरा एपिसोड का. सो मिलते हैं किसी और दिन किसी और एडवेंचर के साथ पे. सो चलिए मिलते हैं, गुड बाय.